हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हेमा जोशी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिबिस्कस पाउडर फेस पैक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारे स्किन से फाइन लाइन को दूर करता है और हमें अनइवन स्किन टोन से बचाता है और हमारी रिंकल्स प्रॉब्लम, एंटी एजिंग प्रॉब्लम और अनइवन टोन स्किन से दूर करता है। हिबिस्कस पाउडर हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और हमारे स्किन के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसे प्लांट ऑफ यूथ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून हिबिस्कस पाउडर और 2 टेबलस्पून कर्ड और 1 टेबलस्पून हनी। हनी हमारे चेहरे को मॉइस्चर करता है। और 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, ये चंदन वाला एलोवेरा जेल है, ये हमारे चेहरे को लाइट एंड ब्राइट करता है। और लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें चावल का आटा। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस प्लांट को प्लांट ऑफ यूथ भी कहते हैं। ये हमारे स्किन को फेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है, लाइटन करता है, ब्राइट करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे स्किन से फाइन लाइन को दूर करता है, इवन स्किन टोन को इवन करता है और काफ़ी फ़ायदे इसके हैं स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं इसे ब्रश की हेल्प से एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा लूँगी। तो आप भी इस पैक को लगाइएगा और यूज करके मुझे बताइएगा, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद देखिएगा इसका रिजल्ट। ये काफ़ी फायदा करता है स्किन को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप ब्रश की हेल्प से, मैं इसे एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह लगाइएगा और इसे 15 मिनट सूखने का वेट कीजिएगा। सूखने के बाद आप इसे डायरेक्ट पानी से वॉश मत कीजिएगा, आप अपने हाथों में हल्का सा पानी लगा के स्क्रब कीजिएगा सर्कुलर मोशन में और धीरे धीरे करके इसे रिमूव कीजिएगा। ये आपकी स्किन से सारी डेड सेल को दूर कर देगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ये होम रेमेडी है। बाहर से आप काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं और लेने के बाद वो आपकी स्किन को सूट नहीं होता तो आपके पैसे वेस्ट चले जाते हैं। तो आप इसे घर में बनाइएगा, आपको अगर आपको आपका फ़ायदा नहीं भी लगे तो आपका इसमें लॉस नहीं है कुछ भी। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुका है, ये सूख चुका है और सूखने के बाद इस पर क्रैक आ चुके हैं। अब मैं इसे धो लूँगी। धोने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंट। तो आप इसे ज़रूर यूज कीजिएगा और अपने रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अंतर आपको खुद दिख रहा है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आपके स्किन को यह लाइटन ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत।